से देख लो, जब भी किसी संख्या को अगर 11 से गुना करना होगा तो इसके लिए बेहतरीन ट्रिक क्या है कि पहले वाले को दस्तखत से लिखेंगे, पहले वाले को दस्तखत, दो हो गया, फिर इसको अगला में जोड़ेंगे, दो तीन हो जाएगा पांच, फिर इसको अगला में जोड़ेंगे, तीन पांच हो जाएगा आठ, फिर पांच और चार कितना हो जाएगा नौ, और फिर चार पांच कितना नौ, और फिर लास्ट वाले दस्तखत पांच, ये आपका हो गया आंसर कम्प्लीट। समझ में आएगा? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आसान से समझ ले। मान के चलो ये कोई संख्या है जिसे हमें 11 से गुणा करना है। करना क्या होगा, अलग में मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, आसान है। पहले वाले को दस का दस पांच, फिर अगला को अगला में जोड़ेंगे पांच नौ, फिर इसको अगला में जोड़ेंगे चार दो छह, फिर अगला को जोड़ेंगे पांच दो सात, फिर आगे को जोड़ेंगे नाइन हो जाएगा, फिर फोर टू सिक्स हो जाएगा, फिर अगले में जोड़ेंगे दो तीन पांच हो जाएगा, फिर तीन जीरो कितना होगा थ्री होगा, जीरो पांच कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट वाले को दस का दस लिखेंगे, ये आपका मल्टीप्लीकेशन तैयार। चेक कर सकते हैं बिल्कुल। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं क्या है। सेवन है, फोर थ्री नाइन फाइव, फोर थ्री जीरो टू फाइव, और इसे इलेवन से गुना करना है। ये भी क्या है, फाइव के फाइव, फाइव के फाइव, फाइव टू क्या हो जाएगा सेवन, टू जीरो टू, जीरो थ्री थ्री, थ्री फोर सेवन, फोर फाइव नाइन, फाइव नाइन फोर्टीन का फोर वन, नाइन थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व वन थर्टीन का थ्री वन, थ्री फोर सेवन, सेवन वन कितना हो जाएगा एट, पीछे वाला कैरी एट हो जाएगा, और फोर सेवन क्या हो जाएगा इलेवन, इलेवन का वन और एक कैरी, और सेवन का जस्ट का सेवन लिखना है तो इसका वाला एक उसमें जाएगा, कितना हो जाएगा आठ। बताओ कितना आसान सा ट्रिक है ना, बड़ा जबरदस्त।